स्कीम है की स्कीम मेरे हाथ लगी है पच्चीस hmm. दिन में पैसा डबल पच्चीस oh, दिन में पैसा डबल डबल्स एंड वेलकम बैक टू चैनल आई होप आपको मेरा पुराना कंटेंट पसंद आया होगा जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर करा था जिसमें से एक स्टॉक था कैडिला और मैंने बहुत कन्विक्शन के साथ में शेयर करा था और मैंने बताया था कि कैडिला बेसिकली एक आ, पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद अच्छी बड़ी मूव दे सकता है और प्लस फार्मा स्टोरी थी तो फार्मा के लिए मैंने मैं पुरानी काफी सारी वीडियोस में बोलते हुए आ रहा था कि आ, फार्मा के ऊपर फोकस करो वहां पे कहीं ना कहीं बॉटम बन रहा है और आप अगर क्लोजली वॉच करोगे सो कडेला ने एक अपने डाउनसाइड मूव के आने के बाद एक अच्छी बड़ी मूव दी और इवन कडेला प्रीवियस डे पे एक अप, अपर सर्किट पर बंद हुआ था दैट मीन्स सर्किट था कोई भी सेलर नहीं था वहां पर माल बेचने के लिए सिर्फ बायर बायर थे और वो पोजिशन कैरी रह गई ठीक है ऐसे uh, ही मैं काफी सारे ऐसे स्टॉक शेयर कर चुका हूं जो मिड कैप मूव मिड कैप स्पेस में थे बेसिकली बी एट आशियाना हाउसिंग सीक्वेंस साइंटिफिक कॉन्फिडेंस पेट्रो कटाटो कॉफी ठीक है तो काफी सारे ऐसे स्टॉक्स थे और वैसे ही एक रिलेटेड uh, मैं स्टॉक लेकर के आया हूँ और जो लोग मेरे को पुरानी वीडियो से देखते हुए आ रहे हैं रेगुलर बेसिस में उनको पता होगा कि मेरा ज्यादातर फोकस रहता है कि मैं कंजम्पशन बेस्ड थीम उठाऊं तो ये जो स्टॉक है अगेन कंजम्पशन बेस्ड थीम में है कंजम्पशन बेस्ड क्यों Uh, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए बी इट इवन पेंडेमिक सिचुएशन ठीक है जो कंजम्पशन स्टोरी uh, रहती है वो लंबे टाइम तक चलती ही चलती है बिकॉज लोग कुछ भी कर लें लोग खाना पीना या uh, चीजों को यूटिलाइज करना एकदम से बंद नहीं करते ठीक है तो वही सेम चीज आ जाती है हमारी कंजम्पशन थीम में तो एक ऐसा स्टॉक जो इंडिया के अंदर भी कंज्यूम करा जाता है और इंडिया से एक्सपोर्ट भी करा जाता है इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड उस चीज को कंज्यूम करा जाता है तो बेसिकली इस स्टॉक का नाम है एल्टी फूड्स ठीक है एल्टी फूड्स से जिनको को नहीं पता वो बेसिकली दावत राइस है जो दावत के जो चावल आते हैं ये बेसिकली वो कंपनी है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ये एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के राइस मैन्युफैक्चर करते हैं सेकंड बेनिफिट क्या है ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है थर्ड बेनिफिट क्या है मैनुफैक्चर एक्सपोर्ट के बाद इसका जो इंडिया के अंदर जो इसका मार्केट शेयर है वो काफी हद तक बहुत बड़ा है तो बेसिकली कंपनी करती क्या है इसका आपको एक आइडिया लग गया ठीक है मैं इसके अब एक वीकली चार्ट पर आ जाता हूं ये फिलहाल हम ना देखते हुए पहले हम ये देखते हैं कि कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं ठीक है तो वाइट राइस ब्राउन राइस आजकल लोगों का वैसे भी बहुत ज्यादा जब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं तो पीपल दे मोर फोकस ऑन ब्राउन राइस की या ब्राउन चीजें खानी चाहिए तो रिसेंटली कंपनी ने कुछ सॉसेज भी लॉन्च करी है जिसमें डिफरेंट टाइप के जो मतलब डिफरेंट टाइप के जो राइस रिलेटेड जो डिशेस बनती हैं उस चीज़ के अंदर ये सॉसेज यूज़ करी जा सकती हैं और एक आपको रेडीमेड स्टफ मिल जाता है तो उसी तरीके से आप काफ़ी सारी चीज़ों में नोटिस कर सकते हो कि कंपनी कहाँ कहाँ पे ग्रो कर रही है खाली राइस होगा ना और राइस के अंदर भी बहुत मल्टीपल टाइप की क्वालिटी होती हैं और राइस वैसे भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पर एक्सपोर्ट भी होता है ठीक है सेकेंड बेनिफिट क्या है कंपनी के आ, जो फूड पार्टनर्स हैं वो कौन कौन से हैं अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पे देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस को देख करके हमारा वैसे भी कन्विशन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है कि हाँ कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है आज नहीं तो फिर भी कुछ टाइम में बट ये yes, अभी प्रैक्टिकली अगर हम इसमें नोटिस करते हैं तो काफी टाइम से ये जो स्टॉक था ठीक है ये अपने फॉलिंग जोन में था ये नीचे की तरफ आ रहा था ये मेरा भी एक वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने चार्ट खोला है ठीक है फॉल करने के बाद अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो इसने एक Uh, बड़ी मूव देने के बाद एक पर्टिकुलर लेवल पर आकर के इसने सपोर्ट uh, लिया ठीक है वापस कंसोलिडेट करना शुरू हुआ और उस लेवल के बाद अब इसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया कैसे हुआ फॉल करने के बाद इसने एक अच्छा बड़ा मूव दिया मूव देने के बाद एक ए जोन के अंदर इसने घूमना शुरू करा और उस जोन में घूमने के बाद इसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया तो अभी जो एक्चुअली ये स्टॉक क्लोज हुआ है दिस इज अराउंड सिक्सटी एट पॉइंट टू फाइव रुपीज ठीक है किसी वजह से हम एक एक्सपेक्टेड से लेकर के चलते हैं अभी हमें लग रहा है कि ठीक है स्टॉक ऊपर जा सकता है बट ये ये जो ब्रेकआउट जोन है किसी वजह से अगर ये स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो 59 से लेकर के 62 टू और लेवल्स वुड बी ए वेरी गुड लेवल टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक और अगर नीचे की तरफ अगर ये जोन तोड़ देता है अराउंड 55, 54 का लेवल अगर ये तोड़ देता है तो मुझे लगता है कि वापसी ये हो सकता है अपने कंसोलिडेशन जोन में आ जाए बट ओवरऑल अभी जो फिलहाल क्लेस का व्यू लगता है फिफ्टी नाइन से वेरी एंटर ठीक है अभी एज ऑफ नाउ इट इज एट यहां से आ, अगर नहीं भी मिलता तो इसको बेसिकली आ, कह सकते हैं कि हम इसमें दो पार्ट्स में हम एंटर कर सकते हैं वन वुड बी एट 68, 69 और लेवल्स सेकंड पार्ट वुड बी एट 60, uh, 62 और लेवल्स दो पार्ट्स के अंदर इसमें एंट्री करी जा सकती है अपसाइड कहां तक लगती है अपसाइड इसमें मुझे लगता है कि आराम से ये एक uh, कह सकते हैं कि 80, एटी फाइव और लेवल्स के आसपास की एक अच्छी वेबसाइट दिखा सकता है वनस इट ब्रेक्स 90 लेवल्स ठीक है फिर मैं फर्दर एक व्यू शेयर करूंगा कि और कहां तक जा सकता है बट एज ऑफ नाउ Uh, मुझे लगता है कि 80, 85 लेवल लेवल्स ही आराम से दिखा सकता है विद दी बेस स्ट्रांग बेस एट 54, 55 फिफ्टी लेवल्स तो वहाँ पर अगर उसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दे जाए तो आई थिंक फिर वहाँ से फिर निकल जाना ज़्यादा बेटर होगा तो यहाँ मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है काफी ज़्यादा अच्छा हो जाता है मतलब आई एम रेडी टू लूज फाइव uh, सिक्स रुपीज़ यानी मैं पांच छह रुपए का नुकसान करने को तैयार हूँ फॉर लेट से ट्वेंटी फिफ्टीन टवेंटी रुपीज के आसपास का उसमें प्रॉफिट लेने के लिए ठीक है तो uh, ये एक uh, ऐसा स्टॉक है जो मेरे रडार पे और मुझे लगता है कि मिड कैप्स के इसमें एक अच्छी मूव दे सकता है प्लस कंजम्पशन बेस्ड हो रही है और ओवरऑल अगर मैं देखता हूं तो इसका प्रोमोटर बेस uh, जो कंपनी के फंडामेंटल्स हैं वो मेरे को थोड़े से और बेटर लगते हैं आई होप आपको मेरा मिड कैप कैप्स का ये स्टॉक पसंद आया होगा और तरीके मैं इसको एक क्लियर व्यू में समझा पाऊँ कि हाँ आप इसके किस किस तरीके तो से आप कहाँ पे इसको एंटर कर सकते हो और आपका अपना कन्विकशन uh, कैसे एक पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर बढ़ा सकते हो तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब एंड लाइक बटन फॉर माय मोटिवेशन एंड सपोर्ट सो थैंक यू सो मच